Well, इस सीन से पहले मैं अली को अवनी के साथ एक ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लेता हूँ, बल्कि हालांकि मतलब एक नज़रिया होता है देखने का. बेसिकली उसका बटन उसके मंगलसूत्र फंस जाता है, वो निकाल रहा होता है, बट वहीं पे पूरी फैमिली आ जाती है, मैं आ जाता हूँ पीछे, तो हमें लगता है कि कुछ हो रहा है बीच में. क्योंकि अली अवनी से डेफिनेटली प्यार करता है, बट अवनी का ऐसा कुछ है नहीं उसके प्रति. तो अवनी मुझसे प्यार करती है और बताती नहीं, मैं भी उससे प्यार कर रहा हूँ बता नहीं रहा, बट कहीं ना कहीं मैं बहुत इरिटेटेड हूँ बिकॉज ऑफ द सिचुएशन. ये वो था कि मैं इरिटेशन में एक टेबल पे जाता हूँ और वहाँ पे ग्लास पड़ा हुआ है और गुस्से में ग्लास को वो करता हूँ और हाथ से खून निकल जाता है. हाँ, जो जब डीडी आता है समझाने के लिए, तो मैं अपने धुन में होता हूँ, अपने थॉट में खोए हुए होता हूँ, तो मैं उसकी बात भी नहीं सुनता. एंड उससे मैं बोलता हूँ कि जस्ट लीव द हाउस एंड बिकॉज वो हनुमान बन के आते हैं राम की उसमें, एंड ताकि सीता के सपोर्ट में बोलते हैं, बट मैं सुनता नहीं हूँ. यस, इग्नोरिंग बिकॉज अभी वो सीन्स हुए हैं, तो कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी हस्बैंड अगर ऐसे किसी अपनी बीवी को ऐसे कहीं देखेगा तो हु वुड वांट दैट, तो अच्छा नहीं लगेगा. तो इसीलिए अभी वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, विच इज़ डेफिनेटली गोना गेट क्लियर्ड वेरी सून. थैंक यू.